बनाते हैं एक ऐसी चीज जिसमें मिर्चे हैं, किस तरह से हैं देखते रहे। ये है सब्ज मिर्च दो प्याजा। इसको पकाने के लिए एक पैन में तेल ले लें आप, शुरुआत जीरे से। इसके साथ इसमें डालें ये प्याज, इसके साथ इसमें डालें ये छोटे वाले प्याज। जब तक ये पकते हैं मिर्च देख लेते हैं उसका क्या करना है। हमने बहुत सारी मिर्चें पड़ी हुई हैं, मोटी वाली मिर्च, बीच में चीरा लगा लें, कुछ और मिर्चें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। इसे हम फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं। गरम तेल के अंदर इसे तल। अब ये जो मिर्चें हैं ये तैयार, तेल निकलने देते हैं। अब इसके अंदर डालते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसके साथ में इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पिसी हुई और जीरा। थोड़ी सी पतली वाली हरी मिर्च, दो हरी मिर्च। और अब इसमें हम डालते हैं ये सब्जियां कटी हुई, ये थोड़ी सी पकाई हुई हैं, वैसे आप इसमें भी पका सकते हैं। गोभी छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई और गाजर, और अब इसमें हम डालते हैं पानी। ये जो हरी मिर्च है ये ले लेते हैं हम, इसके साथ इसमें डालें नमक और नींबू का रस, और अब इसके अंदर डालें दही। अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप खसखस ले लें, ये खसखस, और इसको गर्म पानी के अंदर कुछ देर तक भिगो के रख दें, करीब आधे घंटे तक, और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लें हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ में, हरी मिर्च ज्यादा नहीं। ये पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, खसखस, हरी मिर्च और हरा धनिया। इस पेस्ट को इसके अंदर डालते हैं और अब इसमें डालें ये हरी मिर्च, नींबू और नमक, और इसे मिक्स कर लें। और अब इसमें डालते हैं बीन्स और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसे मिक्स करें और तेज आंच पर इसे कुछ देर तक पका लें। अब इसमें हम डालते हैं एक और बढ़िया सा इंग्रेडिएंट, टमाटर। टमाटर के बाद इसमें हम डालते हैं नमक और गरम मसाला पाउडर। अब डालते हैं ये स्प्रिंग अनियन और उसकी हरी पत्तियां भी, इसके साथ हरा धनिया। इतनी सारी सब्जियां इसके अंदर डल गई हैं। इसको आप इसी तरह से धीमी आंच पर पकने दें करीब 7 से 10 मिनट तक। इसके लिए हमें चाहिए 10 फूल गोभी छोटे टुकड़ों में कटी हुई और आधी उबली हुई, 2 गाजर कटी हुई और आधी उबली हुई, 10 भावनगरी या मोटी हरी मिर्चें, 5 से 6 बीन्स आधी उबली और कटी हुई, 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, 2 बड़े चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 स्लाइस की हुई प्याज, 12 छोटी प्याज यानी सांभर प्याज, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 6 हरी मिर्च कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 2 टमाटर कटे हुए, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 हरी प्याज और उसकी पत्तियां कटी हुई। इसके लिए मोटी वाली हरी मिर्च को लेकर बीच में से काट लें और इसे गरम तेल में तल लें। इन मिर्चों को एक बोल में निकालकर इसमें नमक, नींबू का रस और दही डालकर मिलाएं और इसे आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक पैन में तेल लेकर इसमें स्लाइस की हुई प्याज और छोटे प्याज डालकर कुछ देर तक भूनें। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लंबी कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें आधे पके हुए गोभी के टुकड़े, गाजर और पानी डालें। अब खसखस को आधे घंटे पानी में भिगोएं और इसे मिक्सी में हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ पीस कर इसकी पेस्ट बना लें। और अब इस पेस्ट को पैन में डालें और इसके साथ इसमें मैरिनेट की हुई हरी मिर्चें, थोड़ा पानी, कटी हुई बीन्स, कटी हुई शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर कुछ देर तक पकाएं।
इसमें कटे हुए टमाटर, नमक, गरम मसाला पाउडर, हरी प्याज और उसकी पत्तियां और हरा धनिया डालकर मिलाएं और करीब 10 मिनट तक पकाकर गर्मा गर्म सर्व।